नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप पीएलसी न्यूज़ और मेरे पास अभी आप देख रहे हैं कि जो शिल्पा साहू जी है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई किस तरह से की है और समाज में आज एक मिसाल कायम करी है कि जिस तरह से उन्होंने एक महिला होके जिस समय उन्होंने पढ़ाई की थी ग्राहकों समस्या आया था, आइए जानते हैं उससे रूबरू होते हैं। चूँकि बहाने बहुत होते हैं बच्चों के पास कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है जिसके चलते हम काम नहीं कर पाते। आज उसी सारी जो एक्सक्यूजेस है जो आज के बच्चे करते हैं उन्हीं को मात देते हुए हमारे सामने जो शिल्पा साहू जी है, ग्रह के कैसे मत पढ़ाई की है और आइए जानते हैं कि क्या ड्रीम था उनके अंदर जो एक जुनून के रूप में आया और उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया। अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम शिल्पा साहू है। मैं उप पुलिस अधीक्षक अभी वुमेन क्राइम सेल भिलाई में पदस्थ हूँ। सभी बच्चों को और खासकर ऐसे बच्चे जो अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके लिए मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपने ठान लिया है कुछ करने का पढ़ाई के माध्यम से कुछ बनने का, तो बिल्कुल आप उस चीज़ में लगे रहिए। सोशल एक्टिविटीज़ जो मीडिया, आजकल सोशल मीडिया आ गई है जो डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत ही अच्छा एक साधन है, क्योंकि हमारे समय में ये ज़्यादा नहीं होते थे, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। तो हम चाह रहे हैं कि अब आप ये सब चीज़ से दूर रहें, आवश्यकता के अनुसार ही इनका उपयोग करें, जितना हो सके कम करें उपयोग, मोबाइल का भी कम उपयोग करें, अपने पढ़ाई के लिए करें लेकिन अपने स्टडी में फोकस करें। आप क्या बनना चाह रहे हैं वो क्लियरिटी हो, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते थे उस टाइम ऐसे जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर काउंसलिंग की सुविधा नहीं मिल पाई थी कि आप करना क्या चाहते हैं। मेरे इंजीनियरिंग किया और उसके बाद जो है मैं इस सिविल सर्विसेज में आई। तो आपका एजेंडा पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपको किस रास्ते से जाना है, प्रॉपर उस रास्ते से जाइए। अपना जो है ध्यान केंद्रित करिए, अनावश्यक दूसरे रास्ते में ना भटके, अपनी संगति को सही रखिए ताकि आप अच्छे रास्ते से जा सके, अपने मुकाम को पा सके। जनरली देखा जाता है कि बच्चों के अंदर ड्रीम तो होता है लेकिन पाने की जो चाहत एजुकेशन के, मतलब हार्ड वर्क है पढ़ाई में, कि किस तरह कि बच्चे अपने ड्रीम रास्ते में ही छोड़ाते हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि सब बच्चों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कोई बच्चा बिजनेस एरिया में जाना चाहता है, कोई आर्ट के एरिया में जाना चाहता है, कोई स्टडी के एरिया में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना है। तो पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसको मोटिवेट करे। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा अच्छे नंबर लाए लेकिन हो सकता है वो आर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, तो बस उसको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसे भी स्टूडेंट रहे जिनके मार्क्स बहुत कम आते थे पढ़ाई में लेकिन उनका अगर इंटरेस्ट था कॉमर्स फील्ड में तो आज वो उनका नाम बहुत अच्छा हो चुका है कॉमर्स फील्ड में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 80+ आए, 90% तभी आप कुछ कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और उस क्षेत्र में आपका डेडिकेशन होना चाहिए तो आप बिल्कुल उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई जब स्कूल लाइफ में आपका रहा होगा तो उस टाइम आपने क्या सोचा था कि आज छत्तीसगढ़ में एक अधिकारी के रूप में अपने ही शहर में नजर आएंगे? जी नहीं, ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं था लेकिन हाँ, शुरू से एक चीज़ मन में था कि कोई ऐसा काम करना है जिससे अपने माता पिता गौरवान्वित महसूस करें, अपने परिवार वालों को गर्व हो मुझ पर कि मैंने इस मुकाम को हासिल किया है। तो बस वही एक था मुझे और आज वो हो चुका है। इससे पहले क्या आप स्पोर्ट्स में भी रहे? नहीं, स्पोर्ट्स में तो मैं नहीं रही थी। बट आपने किस उम्र में तैयार किया था कि मैं एज ए एक अधिकारी के रूप में समाज में दिखूं? जी, जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, चूंकि मैंने इंजीनियरिंग किया है, 4 साल का इंजीनियरिंग रहता है, इंजीनियरिंग के बाद 2013 का CGPSC मैंने अटेम्प्ट किया था और उस टाइम मेरी एज जब एग्ज़ाम दी थी तब 24 की थी और ज्वाइनिंग के टाइम 25, तो 25 के एज में मैंने ये DSP की जो है जॉब ज्वाइन की और वो एक अच्छी एज रहती है क्योंकि आपका दिमाग जो है बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन के माहौल में ढला हुआ रहता है, पढ़ाई को बहुत इजीली आप कैच कर सकते हैं, स्टडी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जितने कंटेंट है नॉलेज है वो एक अच्छा माहौल आपको देता है, प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने उस एज पे जो है इसको क्रैक किया था। जैसे बच्चे 12th आउट करने के बाद उनका ड्रीम जो है स्ट्रांग हो जाता है और अपने ड्रीम को स्ट्रांग करते साथ जो पढ़ाई के बीच जो दूरियाँ आती है उसको, जैसे कोचिंग भी बहुत बड़ा महत्व रखता है, तो कोचिंग कैसे करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए या कोचिंग का सही गाइडलाइन कहाँ मिलेगा? जैसे ही आपने 12th कंप्लीट किया और उसके बाद आपको क्लियर है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि 10th के बाद ही समझ आता है सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन हम करते हैं 11th 12th के लिए, उससे आपको क्लियर हो जाता है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 12th हुआ आपको और एक चीज़ क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको किस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसके थ्रू, कैंपस के थ्रू जाना है या स्वयं का कुछ चाह रहे हैं या सिविल सर्विसेज में, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अगर आपने ट्यूशन लिया, ट्यूशन बिल्कुल ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि एक कॉम्पिटिशन का माहौल मिलता है,
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या कॉलेज का ग्रेजुएशन हो, तो आपको उसको सकारात्मक यूज़ करना है, जितना हो सके उसमें पढ़ाई करना है, उसका सही यूज़, जो कि कोचिंग में अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका गाइडेंस का फ़ायदा उठाना है, अगर आप उसको फॉलो करते तो बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। आज महिला शक्ति सम्मान का जो आज वातावरण जो देखने को मिल रहा है, महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का जो सप्ताह चल रहा है, इस साल की जो थीम भी है इम्प्रेस इक्विटी है, जिसका मतलब ये रहता है कि महिलाओं में जो समानता है, जेंडर इक्वलिटी है, उसको बनाए रखना है, लड़का लड़की में किसी तरीके की भेदभाव ना करें, और आप सबसे पहले लड़कियाँ ही इस चीज़ को मिथ को हटाए, वो खुद से जब समझ जाएंगी कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो सामने वाला भी आपको मौका नहीं देगा ये फील कराने के लिए कि आप अलग हैं लड़कों से, तो उस चीज़ को करें। डिजिटल इनोवेशन एंड क्रिएशन में भी जो जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, तो उसमें भी महिलाओं को ये होना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक मोबाइल के बारे में जागरूक हो, डिजिटली उनको नॉलेज हो किस तरीके से, क्योंकि आगे चल के साइबर क्राइम बहुत एक बड़ा रूप ले रहा है, आजकल जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं साइबर से हो रहे हैं, तो महिलाएँ जब हर क्षेत्र में आगे हैं तो इस क्षेत्र में भी आगे, अगर वो मोबाइल का यूज़ कर रही है, व्हाट्सअप चला रही है, तो साथ ही साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि मोबाइल्स में और से क्या फीचर्स हैं जिनके सेफ्टी के लिए, तो उन चीज़ को भी वो फॉलो करें। थैंक यू मैम। जैसे कि अभी आपने देखे कि शिल्पा साहू जी कैसे पढ़ाई करना है, बच्चे अपने ड्रीम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, क्या होना चाहिए ज़िंदगी में, अगर आपने अपना ड्रीम पूरा करने का अगर ठान लिए हैं, तो आप एक बार जो शिल्पा साहू जी हैं जो अधिकारी बन के हमारे बीच में एक समाज को नई प्रेरणा दे रही है, एक बार उनसे ज़रूर या बात कर सकते हैं, या कोई जानकारी है तो आप मिल सकते हैं। मैडम का जो स्वभाव है बहुत ही शांतपूर्ण है, और मैडम जैसे बताई कि अगर कोई बच्चे अगर एजुकेशन में कहीं पर फेलियर हो रहे हैं, तो आप उनसे मिल के कुछ चर्चाएं भी कर सकते हैं, जिससे आपके ड्रीम में क्लियरिटी आ सके। हर खबर के लिए बने रहिए बीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।